बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाड़े के साथियों. एक्टिंग तो ठीक से कर लिया करो. हैं? ये ले, ये ले, ये ले, ये ले. भागो यहाँ से. ये ले अपना अंधेरी स्टेशन का चश्मा. भाग, 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 भाग. अरे फेमस होने के लिए ये सब तो करना ही पड़ता है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कॉमेडी का डेली शो. पेज 3 में आने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते. अभी हाल ही में सर एक मॉडल ने सर फेमस होने के लिए ऐसा क्राउन पहन के न्यूड फोटो खिंचाया. इस बात पे सरकार ने उसे बैन कर दिया. कितनी गलत बात है ये सरकार की. यार मॉडल न्यूड कैसी हो सकती है, उसे क्राउन तो पहना था ना. इस बात से मुझे याद आई सलीना जेटली. सलीना जेटली का कहना है कि मैं अब अपना टैलेंट दिखा के रहूंगी. तीचा महिला सलीना जी अब दिखाई दो, क्योंकि अब देखने के लिए सिर्फ टैलेंट ही बचेला है. अब राखी सावंत को ही ले लो. नहीं चलो ठीक है मैं ले लेता हूं. राखी सावंत पेज 3 में आने के लिए कितना परेशान रहती है, आइए देखते हैं. देखता है तू क्या. माई गॉड माई गॉड माई गॉड जीसस, मैं पब्लिसिटीज के लिए क्या क्या नहीं करती हूँ. माई गॉड कमरा किधर है, कमरा. ओ सॉरी कैमरा किधर है. माई गॉड पब्लिसिटी करता है मुझे किस कर. तुझे देख लूंगी मैं अपने घर पे. माई गॉड मैंने यू नो पब्लिसिटीज के लिए क्या क्या नहीं किया. मैंने स्वयंवर किया, फिर मैंने टकलू इंडियस को डिवोर्स दिया. पता है क्यों? क्योंकि उसकी बहन चोर है, वो मेरा नेकलेस चुरा के भाग गई थी. फिर यू नो मैं ऐसा जेल में गई कैदी लोग के पास, उनको कंप्यूटर बांटा और उनको डांस भी दिखाया. फिर यू नो मैं कश्मीरा के साथ भी झगड़ा करती हूँ फॉर यू नो ये आइटम सॉन्ग के लिए. और फिर ओह माय गॉड मैं कल ही मिका के घर गई थी किस करने, मैं अपना होंठ वहीं पे भूल आई. नहीं नहीं लाई हूँ साथ में, लगाना भूल गई. यू नो मैं अभी पब्लिसिटीज के लिए क्या करूँ. मैं ना अभी पब्लिसिटीज के लिए न्यूड में आऊंगी. न्यूड नहीं, न्यूज. मुझे क्या पता, मेरी तो इंग्लिश खराब है. माय जीसस मैं ना 24 घंटा न्यूड में आऊंगी, न्यूड में रहूंगी. माय गॉड पब्लिसिटीज तेरे इलेश तेरी बहन की आंख, अभिषेक तेरी माँ की आंख. माय गॉड मीडियाज मीडियाज मीडियाज. कौन पेज 3 पे आएगा, कौन नहीं आएगा और क्या होगा इन सेलिब्रिटीज का भविष्य, ये बात बताने के लिए दोस्तों हमने खास तौर पे आप लोगों के लिए बुलाया है ऑक्टोपस बाबा के गुरु पेज 3 बाबा को. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए पेज 3 बाबा. बोलिए पेज 3 महाराज की माँ की. बाबा भक्त जनों की बहुत लंबी लाइन लगी हुई है. हाँ और कुछ चिट्ठियां भी आई है बाबा. पहली चिट्ठी आई है हरमन बाबेजा की. पूछते हैं कि बाबा मैं फिल्में फ्लॉप देना कब बंद करूंगा. सिर्फ 2 साल में. 2 साल में सुपरस्टार. 2012 में तो पूरी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, तो फिल्में भी खत्म हो जाएंगी. फिर आखिर दे के कितनी फ्लॉप दे देगा क्या. अरे बाबा बाहर मिम्मो भी अपनी लिम्मो में आपको मिलने आया है. ओ मिमो, ये कौन है? आप भी नहीं जानते. अरे बाबा जिसको वर्तमान में नहीं जानते उसका भविष्य क्या बताएंगे. अरे मिमो को लिमो में फेंक डालो. क्या होगा मिमो का, क्या होगा मिमो का. बेटे इतना मत नाम लो, ऐसे ही फेमस हो जाएगा वो. बाबा अगली चिट्ठी आई है देव साहब की. कहते हैं कि मैं अगली फिल्म बना रहा हूं, मुझे इस फिल्म में अपने ऑपोजिट एक लड़की चाहिए, कहाँ मिलेगी. उन्हें कहो अभी लीलावती हॉस्पिटल जाए, 2 घंटे में बस पैदा होने वाली है, इससे जवान हीरोइन उनको नहीं मिल सकती. क्यूट बहुत बाबा. बाबा मुझे क्यों ऐसा लगता है कि इससे पहले मैंने आपको कहीं देखा है. वो कॉमेडी सर्कस में कृष्णा के साथ 1-2 बार बाबा बन के आया था, वहां देखा होगा. तुम अपना काम करो. हाँ बाबा अगली चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि बलवंत राय का कुत्ता. बेटा पर्सनल मत हो, सनी बेटा की चिट्ठी है पढ़. हाँ अब आगे लिखा है कि बाबा मुझे ये बताइए कि सकीना पाकिस्तान से कब लौटेगी. बेटा बस एक बार शकील का वीजा लग जाए वो साथ लेके ही आएगा.
बाबा बहुत हो गई हैं चिट्ठियाँ विठियाँ. बाबा मुझे मुझे अपने बारे में बताइए ना बाबा. बाबा मेरा फ्यूचर क्या होगा बाबा? अरे बेटा तुम तो महान सुदेश लहरी को साथ रखो, फिर देखना करोड़ों रुपए कमाएगा सुदेश लहरी. बाबा हैं? आपको कहीं देखा लगता है बाबा. अब तो और भी कहीं देखा लगता है ये चेहरा. हाय हाय क्या कर रहे हो? इसको तो मैं हर जगह से देख चुका हूँ साले. ये भेष बदल के आया था दाढ़ी लगा के. साले दाढ़ी नहीं लगाई होती ना तो पहचान लेता मैं तेरे को. साले ओए मुझे छोड़ दिया तूने, तूने मुझे छोड़ दिया. फिटे मुँह तेरी का क्या समझता अपने आप को? साले तू कुछ नहीं कर सकता, जो था जो है मेरी वजह से. अब मैं देखूंगा मेरे बगैर तू यहाँ कितने दिन टिकता है. देख लेगा मेरे को? हाँ देख लो. ओए रोज़े में अभी मैं हाँ कैसे देख लूंगा तेरे अकेला कब तक शो चलाएगा तू. सुदिया साला कहता है मेरे को देखता हूँ तू मेरे बगैर कितने दिन ये शो चलाता है. साले को ये नहीं पता कि ये शो दिन में नहीं रात को 9 बजे आता है. तो कहीं मत जाइएगा, थोड़ी ही देर में मिलेंगे ओनली ऑन कॉमेडी का डेली शो. वेलकम बैक टू कॉमेडी का डेली शो. अब हम आपको मिलवाने वाले हैं ऐसी दो बहनों से जो अपने शो विदाई में इतना रोती हैं इतना रोती हैं कि कहीं आग लग जाए ना तो लोग फायर ब्रिगेड को नहीं इन्हें फोन करते हैं. तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए साधना 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 रागिनी रागिनी रागिनी. किसी भूत को डोली से उतरते देखा है? भूत? हाँ आप अपने शो से खुदा हाफिज हो गई थी ना? जी जी चलो जल्दी से आओ. मैं नहीं आ सकती, तुझे पता है एक नया शो चालू हुआ है कॉमेडी का डेली शो, मैं वही देख रही हूँ. अरे मैडम आप उसी शो पर हो, ये कॉमेडी का डेली शो पर डोली शो नहीं है, बाहर आ जाओ. तो रागिनी कैसा लग रहा है आपको दो दो पतियों को संभाल के? और मैंने सुना है कि आप वाला जो पति है वो तो थोड़ा नॉर्मल भी है. दोनों नॉर्मल है, जो था वो भी जो है वो भी. हाँ तो एबनॉर्मल कौन है? मान गई. खैर कोई बात नहीं, हमें हमारे डेली सोप में एबनॉर्मल पति मिल गए हैं, पर हम चाहते हैं रियल लाइफ में हमें अच्छे पति मिल जाए. देखिए आप मेरे शो पर आई हैं सारा. हाँ. सारा इंतजाम कर दिया मैंने आपकी विदाई का, तो आप लोग चलिए. ओके. दोस्तों हमने इनके लिए ढूंढा एक होनहार संस्कारी, मतलब मेरे जितना नहीं लेकिन फिर भी ठीक ठाक सुशील दूल्हा, जो रच रहा है अपना खुद का स्वयंवर. तो आइए देखते हैं इन दोनों में से किसकी होती है विदाई. जोरदार तालियां साधना और रागिनी के लिए. आप दोनों में से लड़की कौन है? क्या मतलब है? नहीं मतलब जो शादी करने आई वो लड़की कौन है? Of course, हम दोनों हैं. आपका नाम क्या है? सारा. देख के तो लगता है थोड़ा सा होना चाहिए. आपका क्या नाम मैडम? पारुल चौहान. पारुल चौहान, ये अपना पृथ्वीराज चौहान के साथ आपका क्या रिलेशन है?
मेरा कोई रिलेशन नहीं उनके साथ। अच्छी बात है, कुंवारी लड़कियों के रिलेशन होने भी नहीं चाहिए। देखिए मैडम, हमारे दूल्हे को सिर्फ खूबसूरत लड़कियां पसंद है। नहीं आप टेंशन ना लीजिए, हो सकता है आप भी पसंद आ जाए, मूड की बात है। मूड की बात होती ना, कल रात तो कुत्ते के मुंह से रोटी छीन के खा रहा था। आप ये बताइए आप करती क्या हैं? हम विदाई में आते हैं। लोग विदाई में जाते हैं, आप विदाई में आती हैं। देखिए मैडम, स्वयंवर के रूल मैं आपको पहले समझा देता हूँ। पहला जो राउंड है वो है फेरा राउंड, और फेरा हमारा कोई मामूली फेरा नहीं, 4-4 किलोमीटर के 7 फेरे लेने हैं। और दूल्हा आपके साथ साथ साइकिल पे जाएगा, क्योंकि वो नहीं भाग सकता, उसको टीवी है। हमें नहीं करनी टीवी वाले दूल्हे से शादी। टीवी की कमाई खा सकती हूँ, टीवी वाले दूल्हे से शादी नहीं कर सकती। दूसरा राउंड है ग्लैमर राउंड, उसमें आपको स्कर्ट पहन के दिखानी यहाँ तक। क्या क्या क्या? नहीं 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 नहीं, आप समझी नहीं, मतलब यहाँ से शुरू होती यहाँ तक ऐसी। ठीक है, क्या ठीक है? ठीक है, अब हम ऐसे कपड़े नहीं पहनने वाले। हाँ हाँ, वैसे हम कॉमेडी करने अपने पैर दिखाने थोड़ी ना आए यहाँ पे। देखिए मैडम, कॉमेडी करवानी होती तो हमारे पास सुरेंद्र नहीं है। वो तो ग्लैमर की वजह से मार खा गया, कहता मैं छोटी छोटी चटियां नहीं पहनूंगा बस। अब चलिए, अब प्लीज टाइम वेस्ट करना बंद कीजिए और स्वयंवर शुरू कीजिए। अभी कर देते स्वयंवर शुरू। म्यूजिक भाई, आप लड़के हैं, आप तो प्रोड्यूसर थे ना? प्रोड्यूसर था नहीं, प्रोड्यूसर हूँ मैडम। मैं तो सोच रहा हूँ ये सीजन हिट हो जाए ना, तो ऐसे 8-9 सीजन लगातार चलाऊंगा, और हर सीजन में आपको लेने का सोच रहा हूँ मैं। एक मिनट, अगर हम इस सीजन में जीत गए तो मैडम ऑस्ट्रेलिया एक बार वर्ल्ड कप जीत जाती तो उसके बाद का खेलना बंद कर देती है। तू पागल के साथ शादी बिल्कुल मत करा, बेवकूफ है ये। अच्छा मैं बेवकूफ हूँ? हाँ। तो जिसके साथ पहले शादी कराई वो होम मिनिस्टर था, पागल साला। ए, मेरे पति के लिए कुछ मत बोलना, और वैसे भी मैं बहुत ही अच्छे घर की लड़की हूँ। अच्छे घर की लड़की हूँ? तू क्या व्हाइट हाउस में रहती है? अरे अच्छे घर की लड़कियां स्वयंवर में आती कहाँ हैं? मतलब क्या है? मतलब वो अपने मोहल्ले में किसी ना किसी से सेट हो जाती है। माला लेके आ भाई। जब शादी करनी नहीं है तो माला क्यों? अभी बताता हूँ। माला जयमाला नहीं, मेरी बीवी माला गुप्ता। चलो डार्लिंग। क्या बात है। जय महाराष्ट्र। क्या बात है, क्या समा बांधा है, क्या समा बांधा है। थैंक यू। ढंग से बांधा है ना, खुलेगा तो नहीं ना। चला, हमारे स्टेज पे चीजें बहुत जल्दी खुलती है मैडम। एनीवे, जोक्स अपार्ट, साधना और रागिनी के लिए जोरदार तालियां। ट्रैक के उस पार है एक ऐसे परफॉर्मर जिनके संगीत में ना सिर्फ मिठास है बल्कि देसी मसाले का तड़का भी है। तो भैया मैं यूं गया और यूं आया। वेलकम बैक टू कॉमेडी का डेली शो। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये पगड़ी क्यों पहनी है। वो क्या है ना कि आजकल पगड़ी का ही जलवा है और बाकी सब हलवा है, इसीलिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए संगीत का नया रूप इंडियन आइडल के स्वरूप। क्या बात है सर, करें रिक्वेस्ट है सर। ये सब लोग जानते हैं कि जब म्यूजिक बजता है ना तो मेरा डांस निकल जाता है, कटोरियां भी बजती हैं तो मेरा डांस निकल जाता है, तो आप लोगों ने तो क्या समा बांधा है। जी आप चाहें तो निकल सकते हैं, तो चलिए आइए सर, आइए। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.